सुबह के 10:30 बजे हैं। माया घर का कामकाज खत्म करके गांव के बाहर काकड़ से कैर तोड़ लाई है। इस कैर को तैयार करके बाजार में बेचकर माया और गांव की अन्य महिलाएं घर की आमदनी में वृद्धि कर पाती हैं। 1.5 साल पहले ऐसा नहीं था। माया घर का काम निपटाकर करीब 1 मील दूर पीने का साफ पानी भरने जाया करती थी। रोज उसे ऐसे कई चक्कर लगाने पड़ते थे। गांव में आमतौर पर पानी के स्थायी स्रोत ताल तलाई, कुएं और हैंड पंप ही हुआ करते हैं। इनमें गंदगी पानी को पीने लायक नहीं छोड़ती। वहीं पानी के गिरते स्तर की वजह से जमीन से निकलने वाले पानी में फ्लोराइड जैसे रसायनों की मात्रा बढ़ गई है। जोड़ों का दर्द, दांतों में पीलापन और पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। गांव का पशुधन भी पानी की समस्या से पीड़ित रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा से ही पानी के प्रति सचेत और सजग रहे हैं। पानी की कमी एक बहुत बड़ी भौगोलिक सच्चाई रही है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। दूर तक फैले गांव व ढाणियां, ऐसे में प्रदेश के कोने कोने में पीने का साफ पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार साफ, सतही व भूजल के स्रोतों से पूरे प्रदेश में एक व्यवस्थित जाल बिछा रही है। लेकिन गांव के स्तर पर पानी के वितरण में कई समस्याएं सामने आती हैं। पानी का व्यर्थ बहना, पाइपों व नलों में टूट फूट और पानी का अंतिम छोर तक न पहुंचना। ऐसे में यदि गांव का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से जुड़े और तय करे कि पानी और उसका रखरखाव उसकी भी जिम्मेदारी है, तो उस गांव की पूरी रूपरेखा बदल सकती है। सरकार द्वारा गांव तक पहुंचाया गया पानी व्यर्थ है अगर गांव के लोग उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी न निभा सकें। राजस्थान में आज ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गांवों ने सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से खुद को जोड़ा। लोगों ने ये तय किया कि वो खुद गांव में सामूहिक रूप से पानी का प्रबंधन करेंगे। ऐसा ही एक गांव है बागेत, माया का गांव। आज जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बीसलपुर परियोजना का पानी बागेत तक पहुंचा रहा है। गांव की अंदरूनी वितरण व्यवस्था की स्थापना के लिए भी 90% खर्च सरकार ने ही मुहैया करवाया। बचे हुए 10% खर्चे के लिए हर घर से बराबर रुपए इकट्ठा किए गए। बैंक में एक खाता भी खुलवाया गया। फिर एक जल समिति बनाई जो पानी की व्यवस्था और उसका रखरखाव करती है। आज बागेत के लोगों की जीवन शैली बदल गई है। 116 परिवारों के इस छोटे से गांव में आज 7 सार्वजनिक नल हैं जिनमें साफ पीने का पानी आता है। मवेशियों के लिए भी पीने का पानी यहीं से लिया जाता है। पहले मैं दूर से पानी लेता, मांगी कमर दुखती, मांगा गोड़ा दुखता, खारा पानी से मांगा दस्त हो जाती। अब मैं कन्न से पानी बड़ा बड़े पिंडा में पानी सब मांगा टूटे लागी, बेसपुर को पानी आ गयो तो मन बहुत फायदो मिलियो। हर 10-12 घरों के बीच एक सार्वजनिक नल है। इस पर मासिक खर्च 10 से 15 रुपए प्रति परिवार आता है। जल समिति का एक सदस्य हर महीने ये राशि घर घर जाकर इकट्ठा करता है और बैंक में जमा करा देता है।
ये राशि गांव के पानी का संयुक्त बिल चुकाने व इन नलों के नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए काम आती है। तो जी हम सात पुंट पर फड़ा फड़ा के सब कन ले लेता, सब बिल देता। टेम टेम पानी आ रहा है, बढ़िया पानी आ। पहले खारा कुआ का पानी जा, जब बिल्कुल कमजोर आदमी हो जाता। ये आवासियों बहुत बढ़िया पानी है। बागेत की तरह चुरू जिले में भी सामूहिक प्रबंधन का एक मॉडल है। सुंदर हवेलियों के अलावा ये क्षेत्र बेहद तेज गर्मी व ठंड के लिए भी जाना जाता है। पानी की कमी की वजह से यहाँ बारिश के पानी को इकट्ठा करने की परंपरा बहुत पुरानी है। यहाँ लोग छतरी कुंड बनाकर बारिश का पानी जमा करते आए हैं, लेकिन कम और अनियमित बारिश की वजह से पानी की कमी फिर भी रहती है। पानी नहीं सुनते, बहुत समस्या आती। मारा खानी खारा पानी होता, तलसीर का पानी कुइया पर काट लेते, गोदी में टाबर होता जाता, बहुत समस्या होती। कोई पशु नहीं रखते, एक पशु रखते वो भी मर जाता, दो रखता वो भी मर जाता। मीठा पानी है ही नहीं, कोई दूर से लाता, तारानगर जाते कोई दूर से पानी, कोई कुएं का मीठा पानी लाता, वो बच्चा नहीं पिलाता, मैं भी पीता। पाँच पाँच चार चार दिन नहीं नहाते, से नहीं बाढ़ जैसे बहती नहीं, धोती नहीं, बच्चा नहीं नहीं नहाती। कोई स्कूल में जाता तो जाता नहीं, ये फिरते, कोई कपड़ा नहीं धोते। चुरू जिले के तारानगर तहसील में 1500 की आबादी वाला एक गांव है आनंद सिंहपुरा। लगभग 13 साल पहले गांव के लोगों ने मिलकर पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जलदाय विभाग आनंद सिंहपुरा तक पीने का साफ पानी पहुंचाता है। विभाग ने गांव में सार्वजनिक नल भी लगाए, जिसके लिए गांव वालों ने आंशिक योगदान दिया। लोग साथ में जुड़े तो और काम भी होने लगे। बारिश का पानी जमा करने के लिए पुराने जोड़ों की मरम्मत की और नए जोड़ बनाए, तभी से ये गांव पानी का प्रबंधन अपने आप कर रहा है। यहाँ के लोग अपने सार्वजनिक नलों का रखरखाव सुचारू रूप से करते हैं। इनसे व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को भी जमीन के अंदर पहुंचाया जाता है। समय पर राशि जमा करवाने और इस प्रक्रिया को चलाने में आनंद सिंहपुरा पिछले 13 सालों में कभी चूका नहीं है। हम बिल इकट्ठा करते हैं और हर महीने की 25 तारीख को हमको बिल जमा कराना पड़ता है। वो बिल हम 13 साल में एक भी हमारा बिल डिफॉल्ट नहीं हुआ। हम बिल बराबर जमा कराते हैं। बराबर जमा कराने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि 20% सरकार हमको फ़ायदा देती है। वो पैसा ये जो यहाँ टूटियाँ वगैरह बनी हुई है, इनके ऊपर कोई टूट फूट हो जाए या कोई लाइन में खराबी आ जाए, ये पैसा हम उस पर खर्च करते हैं। गांव की साफ़ सफाई, घरों की साफ़ सफाई, ये सारा सब हमने आज भी वैसे ही बना के रखा है। पहले इतना नहीं था, पहले इतना साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं था, लेकिन समितियों ने, गांव वालों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, सब ने मिल के ये बीड़ा उठाया। आज हमारा गाँव है वो एकदम साफ़ है। राष्ट्रीय अवार्ड से हमारा पूरा क्लस्टर है वो सम्मानित हुआ हुआ है। बागेत और आनंद सिंहपुरा से दूर राजसमंद जिले में एक गांव है पीपलांत्री। पहाड़ी इलाका और जमीन के नीचे संगमरमर का भंडार। भूजल के दोहन के चलते यहां पानी का स्तर जमीन से कुछ 300 से 400 फुट नीचे चला गया था। पीपलांत्री के लोगों ने एकजुट होकर सरकार की मुहैया कराई 90% राशि में अपना 10% योगदान देकर गांव में 2 एनीकट बनवाए। इन एनीकटों के जरिए बारिश का पानी जमीन में वापस पहुंचाया। आज पानी 60 से 65 फुट पर ही उपलब्ध है। गांव वालों के सामूहिक प्रयासों की वजह से आज गांव के हर कुएं और नलकूप में पानी आ गया है,
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्थायी स्रोत बन गए हैं। हर घर को पानी की लाइन से जोड़ने का काम भी गांव वालों ने संभाल लिया है। हम आपस में मिलके पैसे चाहिए हम इकट्ठे करते हैं, नल जैसे मोटर अगर पाइपलाइन भी खराब हो गई तो हम सब भी मिलके पैसे इकट्ठे करके उसको सही करवा के पहले हमारे यहाँ पानी पहुँचाते हैं। सब हम सब मिलकर करते हैं। गवर्नमेंट का काम तो गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पानी टंकी बनवा दी, पाइपलाइन बिछवा दी, पानी घरों तक पहुँचा दिया, उसके बाद में हमारा काम हम ही देखते हैं। इसके संचालन व रख रखाव का काम प्रकाश संभालता है। प्रकाश गाँव वालों द्वारा बनाई गई समिति का कर्मचारी है। सभी गांव वाले एक तय राशि नियमित रूप से इकट्ठा करते हैं, जिससे प्रकाश का वेतन व मरम्मत आदि के खर्चे पूरे किए जाते हैं। गांव के हर घर को समान रूप से पीने का साफ पानी मिलता है। सबसे पहले हमने 11 आदमियों की कमेटी बनाई थी, पेयजल सप्लाई कमेटी, तो उसके माध्यम से हमने इस काम को शुरू किया था। गांव के हर आदमी इतनी मतलब जिम्मेदारी समझता है कि आज मेरे घर में है और मेरी कोई टोटी खराब हो गई है नल की, तो उसको तत्काल दुरुस्त कराएंगे। एक व्यक्ति रख रखा है, एक लड़का जो प्रकाश है उसको ये सप्लाई का काम देखता है। इस व्यवस्था को अपनाने के लिए इच्छुक गांव वालों के मन में कई प्रकार के सवाल व संदेह होना स्वाभाविक है। विभाग द्वारा व्यवस्था की प्रणाली विस्तार से समझाने के लिए ग्रामवासियों के साथ विस्तार से बैठकें की जाती हैं और उनके संशयों और शंकाओं का निवारण किया जाता है। ये बैठकें और संवाद इस व्यवस्था के संचालन और सफलता में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसको चलाने में शुरू में तो हमें थोड़ी परेशानी हुई थी, पर जब हमारे गांव वालों को और समुदाय को यह पता लग गया कि ये हमारे हित का काम हो रहा है, तो आज पूरा समुदाय पूरा समाज हमारे साथ जुड़ गया है और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। गांवों ढाणियों में बड़ी समस्या पानी की कमी नहीं, पानी के प्रबंधन की कमी है। पीपलांत्री, आनंद सिंहपुरा और बागेत जैसे सैकड़ों गांव आज पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण है। अगर आप भी मिलकर अपने गांव में पानी की समस्या का निपटारा चाहते हैं तो सरकार निश्चित रूप से आपको सहयोग देगी। राजस्थान के लोगों ने सदियों से प्रकृति की कठिन चुनौतियों का मिलकर सामना किया है। जोश, उत्साह और एकजुटता यहाँ जीवन के हर पहलू में झलकते हैं। फिर चाहे वो गीत संगीत हो या तीज त्योहार, एकजुटता हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है। गांव-गांव में आज जरूरत है पानी के लिए एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने की, हर घर से पानी की समस्या मिटाने की। अपने बच्चों के लिए, घर और गांव के लिए आपकी एक पहल सबका जीवन संवार सकती है। आइए इसे पहचानें और आगे बढ़ें।